दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जगह निकली, तो उसकी पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्या है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब एग्जाम होगी, अभी तीन स्टेज में उनका एग्जाम होगा। तो पहले स्टेज उनका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों आइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में कभी मिस ना कर पाए और जो भी हम लोग जॉब अपडेट्स डालते हैं वो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम ना गवारा करते हैं, हम लोग देखेंगे। ये इनका ऐड आया है कल और इसमें रजिस्ट्रेशन आपको भेजना है पूरा ऑनलाइन और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। इसका डेट खुला है 14 नवंबर से लेकर तो 4 दिसंबर के बीच में ये पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है इस एग्जाम के लिए। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक डिटेल्स, जैसा इनकी वेबसाइट दिया bank.sbi.career, इसमें भी हम लोग जाएंगे लास्ट में और लास्ट में मैं आपको पूरा ये प्रोसेस समझाने के बाद बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। अभी तो मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, तो हम लोग चलते इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेते स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। अब पहले इसका पूरा प्रोसेस समझा देते कि एग्जाम कब कब होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन अप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये आपको 14/11 से लेकर 4/12 के बीच में पूरा प्रोसेस करना है। अगर आपने अप्लीकेशन भरा है ऑनलाइन सब कुछ किया अगर, लेकिन आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो 4 दिसंबर के पहले आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फीस की डेट भी वही दी है 4 दिसंबर तक, ठीक है। फिर डाउनलोड ऑफ प्री प्राइमरी एग्जामिनेशन कॉल सेंटर 3rd week ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स, जैसा 4/12 के बाद आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन डाल दिया तो उसके बाद आपके कॉल लेटर बनेंगे और वो आपको 3rd हफ्ते से डाउनलोड करना है दिसंबर के, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। फेज वन में होगा इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। इसका उन्होंने टेंटेटिव दिया है कि 31 दिसंबर से लेके 2, 4 और 5 जनवरी 2021 के बीच में ये प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम होगा। और फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो देंगे 3rd week of January, मतलब 5 जनवरी तक एग्जाम खत्म हो जाएगा और 3rd week of January से उसका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जो भी एग्जाम में पास हो जाएंगे प्रिलिमिनरी उनका फिर मेन एग्जाम का कॉल लेटर आएगा 3rd week of January से, मतलब रिजल्ट रखने के कुछ दिन बाद ही। और फिर फेज टू में उनका होगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन और मेन एग्जाम होगा उनका 29 जनवरी को, ठीक है। ध्यान रखना एक एक चीज। अब उसका भी जो रिजल्ट आएगा मेन एग्जामिनेशन का वो 3rd या 4th week में फेब्रुवरी के आएगा 2021 में। फिर फेज थ्री का कॉल लेटर उसके बाद आपको डाउनलोड करना है 3rd week या फेब्रुवरी 2021 में। फिर उसके बाद दोस्तों फेज थ्री में होगा उनका इंटरव्यू। इंटरव्यू का भी उन्होंने दिया है कि फरवरी या मार्च में 2021 में उसका इंटरव्यू होगा और उसका मतलब पूरे प्रोसेस का रिजल्ट आएगा इसका लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021 तक। मतलब आप मान लीजिए कि इनका एग्जाम चालू होगा इसका ऑनलाइन प्री प्राइमरी प्रिलिमिनरी एग्जाम चालू होगा 31 दिसंबर से और इसका पूरा प्रोसेस खत्म होगा मार्च 2021 में, मतलब उसके बाद आपको जॉब लग सकता है अगर आप पूरे प्रोसेस में सक्सेस होते हो तो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उसका डेट दिया है कि आपको प्री एग्जामिनेशन अगर ट्रेनिंग लेना है तो ये 2nd week of December से उसको आपको डाउनलोड कर सकते हो उसका कॉल लेटर ट्रेनिंग का। और फिर उसने दिया है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 3rd week of 4th week of December में ये ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन, किस तरह से एग्जाम होता है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज किस तरह से दी है उन्होंने। वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए 300, ST के लिए 150, OBC के लिए 540, EWS 200, जनरल के लिए 810, टोटल 2000 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। 2000 वैकेंसी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। वैकेंसी रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर अवेलेबल ओनली द नॉन क्रीमी लेयर OBC और OBC कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल, अगर नॉन क्रीमी लेयर में है तो उनको जनरल करके एप्लीकेशन देना है। और ये पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक एक चीज की जानकारी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपको ताकि आपको एप्लीकेशन भरते समय कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, जिनका मान लीजिए भी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है, एग्जाम दे दिया है, वो जरूर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो अपीयर कर रहे हैं तो उनका इंटरव्यू प्रोसेस के समय पर उनका रिजल्ट आना चाहिए, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है। ग्रेजुएशन इन ई डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी,
दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास टू द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। और वो भी कब? आपको ऑन आर बिफोर 31 दिसंबर 2020 के पहले पूरा प्रोसेस करना है आपका ग्रेजुएशन की डिग्री का, ठीक है। डेट पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ द ये सब आप पूरा पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल जिस तरह से मैंने आपको बताया है, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप पढ़ोगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन चले जाएगी। दोस्तों इसके लिए एज लिमिट दिया है नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 साल। सब जो जनरल कैटेगरी के 21 साल से लेकर 30 साल तक आपको भरना है 1/4/2020 के डेट के इसके हिसाब से आपका एज चाहिए 30 साल तक। फिर अलग अलग जैसे एससी एसटी के लिए उन्होंने दिया है 5 ईयर रिलैक्सेशन, ठीक है। फिर ओबीसी के लिए दिया है 3 साल का। फिर ये अलग अलग दिया है यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आप ये सब पूरा इसको डिटेल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर ये जो आपको जब ऑनलाइन भरना है तो कौन से कैटेगरी के लिए कौन से कोड यूज़ करना है उसका पूरा डिटेल दिया है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए कोड के हिसाब से, आप समझ लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि ना हो। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर उसका मेन, फिर इंटरव्यू। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिमिनरी की बात करेंगे कि अपना पहला स्टेज है ये। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 30 questions आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, फिर रीजनल एबिलिटी होगा, इसका 35 questions आएंगे। टोटल मार्क 100 रहेगा। 1 घंटे का आपका ड्यूरेशन का पेपर होगा, उसमें आपको क्लियर करना है। और ये दिया है कट ऑफ कैसे रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह सब पूरा डिटेल आपको दिया है, पढ़ना है अच्छे से। इसके सैलरी अगर आप सिलेक्शन होते हैं पूरे इसमें तो इसका जो बेसिक रहेगा वो 27,620 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल 23,700 से 30,500। और फिर ये पूरा दिया आखिरी 42,020 अप्लीकेबल जूनियर मैनेजमेंट कैडर का, ग्रेडर का रहेगा स्केल 1 का। अप्लीकेशन एंड जो फॉर्म वगैरह उसका फीस है 750 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट, और एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, कैंडिडेट्स एंड नील फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, ठीक है। उसके लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब जमा करना पड़ेगा शायद। हाउ टू अप्लाई, फिर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पूरा प्रोसेस दिया है, तो ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग अपने टीवी इसमें जाएंगे स्क्रीन पे और मैं आपको बता देता हूँ। ये इसने दिया है कैरियर सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। और इसका पूरा प्रोसेस जैसा मैंने पहले कहा कि 14/11 से लेकर 4/12 तक आपको फिनिश करना है पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा जो प्रोसेस होगा वो। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अभी ऑनलाइन पे और मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में कि आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये अभी हम लोग खोलेंगे SBI कैरियर के वेबसाइट, ठीक है। ये हम लोग गए इनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में कैरियर, इसमें प्रेजेंट वैकेंसी देखेंगे, करंट ओपनिंग कौन कौन सी है। इसमें हम लोग एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखाया आपको अप्लाई ऑनलाइन करके। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाइए, फिर आप ये इधर देखोगे इस साइड में तो ये ऊपर में लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग सेकंड पेज पे जाएंगे। अब यहाँ जाने के बाद आपको ये पूरा डिटेल भरना है, नेम, ठीक है, फिर आपका ईमेल आईडी, आपका एजुकेशन, फिर आपका फ़ोन नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग आपको भरना है। इसके बाद ये आप फिनिश करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाके क्लिक करोगे तो सेकंड पेज खुलेगा। इस तरह से लास्ट पेज तक आपको जाना है, फोटो वगैरह सब अपलोड करना है, फिर आखिर में आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर बने रहने के लिए। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये सब पता चले, और आपको भी इसी तरह से जॉब चाहिए तो सब्सक्रिप्शन करते रहेंगे तो आपको डिटेल आती रहेगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।